नमस्कार। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई, राज्य सरकार के मंत्री, IFSCA के चेयरमैन के राजारामन जी, दुनिया के सम्मानित फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और विभिन्न संस्थाओं के लीडर्स, देवी और सज्जनों, आप सभी का इन्फिनिटी फोरम के दूसरे एडिशन में अभिनंदन है। मुझे याद है जब दिसंबर 2021 में हम पहले इन्फिनिटी फोरम के दौरान मिले थे तो पैंडेमिक की जगह से, उसकी वजह से दुनिया में कितनी अनसर्टेनिटी थी। हर कोई ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर आशंका में था और ये चिंता आज भी खत्म नहीं हुई है। जियोपॉलिटिकल टेंशन, हाई इन्फ्लेशन और डेट लेवल्स की मुश्किलें आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे समय में भारत रेजिलियंस और प्रोग्रेस का एक शानदार उदाहरण बनकर उभरा है। ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में, गिफ्ट सिटी में, 21वीं सदी की आर्थिक नीतियों पर मंथन होना गुजरात का गौरव बढ़ाने वाला है। वैसे मैं आज गुजरात के लोगों को एक और बात के लिए भी बधाई दूंगा। हाल ही में गुजरात के पारंपरिक डांस गरबा को यूनेस्को ने इनटेजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। गुजरात की सफलता देश की सफलता है। फ्रेंड्स, आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं? भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। इसी साल सितंबर में IMF ने कहा था कि 2023 में 16% ग्लोबल ग्रोथ भारत की वजह से होगी। इससे पहले जुलाई 2023 में वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भारत और उसकी अर्थव्यवस्था से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसी साल मार्च में ऑस्ट्रेलिया के PM ने कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ को लीडरशिप देने के लिए मजबूत स्थिति में है। कुछ महीने पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी कहा है कि भारत में रेड टेपिज्म कम हुआ है
निवेश का बेहतर माहौल बना है। आज पूरी दुनिया भारत से उम्मीदें लगाए हुए हैं और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था और पिछले 10 वर्षों में किए गए ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स का रिफ्लेक्शन है। इन रिफॉर्म्स ने देश के इकोनॉमिक फाउंडेशन को सशक्त किया है। महामारी के दौरान जब ज्यादातर देश सिर्फ फिस्कल और मॉनेटरी रिलीफ पर फोकस कर रहे थे, हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ और इकोनॉमिक कैपेसिटी के विस्तार पर फोकस किया। साथियों, हमारे सुधारों का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन बढ़ाया जाए। हमने कई सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को लचीला बनाया, हमने कंप्लायंसेस बर्डन को कम किया, हमने 3 FTAs पर साइन किए और आज भी हम कई अहम कदम उठा रहे हैं। एक गिफ्ट IFSCA इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से इंटीग्रेट करने के लिए हमारे लार्जर रिफॉर्म्स का हिस्सा है। गिफ्ट सिटी की परिकल्पना एक ऐसे डायनेमिक इकोसिस्टम के रूप में की गई है जो इंटरनेशनल फाइनेंस के लैंडस्केप को रिडिफाइन करेगा। ये इनोवेशन, एफिशिएंसी और ग्लोबल कोलैबोरेशन के नए बेंचमार्क स्थापित करेगा। 2020 में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी की एक यूनिफाइड रेगुलेटर के तौर पर स्थापना इस यात्रा का महत्वपूर्ण लैंडमार्क है। आर्थिक उथल-पुथल के इस मुश्किल कालखंड में भी IFSCA ने 27 रेगुलेशंस और 10 से अधिक फ्रेमवर्क्स बनाए हैं। इससे इन्वेस्टमेंट के भी नए रास्ते खुले हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन्फिनिटी फोरम के पहले एडिशन में आपने जो सुझाव दिए थे उनके आधार पर कई इनिशिएटिव शुरू हुए हैं। जैसे अप्रैल 2022 में IFSCA ने फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज को गवर्न करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नोटिफाई किया। आज IFSCA के साथ 80 फंड मैनेजमेंट संस्थाएं रजिस्टर्ड है जिन्होंने $24 बिलियन से अधिक के फंड सेटअप किए हैं। ये दो लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज ने 2024 से गिफ्ट IFSCA में अपने कोर्सेज शुरू करने के लिए अप्रूवल लिए हैं। एयरक्राफ्ट लीजिंग का फ्रेमवर्क IFSCA ने मई 22 में जारी किया था। आज IFSCA के साथ 26 इकाइयों ने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। साथियों, पहले एडिशन की जोरदार सफलता आपके सुझावों पर इतना काम होने के बाद अब सवाल है कि आगे क्या गिफ्ट
आईपीएससी का दायरा इतना ही रहेगा? तो मेरा जवाब होगा नहीं। सरकार गिफ्ट आईपीएससीए को ट्रेडिशनल फाइनेंस और वेंचर से आगे ले जाना चाहती है। हम गिफ्ट सिटी को न्यू एज ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज का ग्लोबल नर्व सेंटर बनाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है गिफ्ट सिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विश्व के सामने खड़ी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेंगे और इसमें आप सभी स्टेक होल्डर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, आज विश्व के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है क्लाइमेट चेंज। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण भारत भी इन चिंताओं को कम नहीं आंकता है, उसको लेकर के हम सचेत भी हैं। कुछ दिन पहले ही कोप समिट में भी भारत ने नए कमिटमेंट विश्व के सामने रखे हैं। भारत और दुनिया के ग्लोबल टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव फाइनेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। G20 प्रेसिडेंसी के दौरान हमारी एक प्रायोरिटी ये भी थी कि ग्लोबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए सभी सस्टेनेबल फाइनेंस की जरूरत को समझ सके। इससे ग्रीनर, रेजिलिएंट और इंक्लूसिव सोसाइटीज एंड इकोनॉमीज की दिशा में ट्रांजिशन को बढ़ावा मिलेगा। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार भारत को भी 2070 तक नेट जीरो टारगेट हासिल करने के लिए कम से कम $10 ट्रिलियन की जरूरत होगी। इस इन्वेस्टमेंट की एक निश्चित राशि को ग्लोबल सोर्सेस के द्वारा भी फाइनेंस करना होगा। इसलिए हम आईएफएससी को सस्टेनेबल फाइनेंस का भी एक ग्लोबल हब बनाना चाहते हैं। भारत को एक लो कार्बन इकोनॉमी बनाने के लिए जरूरी ग्रीन कैपिटल फ्लो के लिए गिफ्ट आईएफएससी एक एफिशिएंट चैनल है। ग्रीन बॉन्ड्स, सस्टेनेबल बॉन्ड्स, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड्स जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का विकास होने से पूरी दुनिया की राह और आसान होगी। आप जानते हैं कि भारत ने COP28 में एक प्रो प्लैनेट इनिशिएटिव के तौर पर ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव का ऐलान किया है। मैं चाहूंगा कि यहां मौजूद सभी अनुभवी लोग ग्रीन क्रेडिट के लिए एक मार्केट मैकेनिज्म डेवलप करने पर अपने आइडिया जरूर दें। साथियों, भारत आज विश्व के फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनटेक मार्केट में से एक है। फिनटेक में भारत की ताकत गिफ्ट आईएफएससी के विजन से जुड़ी है, जिसके कारण ये स्थान फिनटेक का एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है। 2022 में आईएफएससीए ने फिनटेक के लिए एक प्रोग्रेसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जारी किया था। इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए आईएफएससीए में एक फिनटेक इनिशिएटिव स्कीम भी है, जो इंडियन और फॉरेन फिनटेक को ग्रांट देता है। गिफ्ट सिटी में दुनिया के लिए ग्लोबल फिनटेक वर्ल्ड का गेटवे और फिनटेक लेबोरेटरी बनने की क्षमता है।
मेरा आप सभी से आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, अपनी स्थापना के कुछ वर्षों के अंदर गिफ्ट आईएफएससी जिस तरह ग्लोबल कैपिटल फ्लो का प्रोमिनेंट गेटवे बन गया है, वो अपने आप में अध्ययन का विषय है। गिफ्ट सिटी ने एक यूनिक ट्राई सिटी कंसेप्ट को डेवलप किया है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद और राजधानी गांधीनगर के बीच स्थित गिफ्ट सिटी की कनेक्टिविटी एक्सेप्शनल है। गिफ्ट आईएफएससी का कटिंग एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे बिजनेस की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसकी ग्लोबल कनेक्टिविटी के बारे में आप भलीभांति जानते हैं। गिफ्ट आईएफएससी एक ऐसा मैनेजमेंट बनकर उभरा है जिससे फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट माइंड इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। आज आईएफएससी में 580 ऑपरेशनल एंटिटीज हैं, 3 एक्सचेंजेस जिसमें इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज भी शामिल है, 25 बैंक्स जिसमें 9 फॉरेन बैंक शामिल है, 29 इंश्योरेंस एंटिटीज, 2 फॉरेन यूनिवर्सिटीज, 50 प्लस प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स जिनमें कंसल्टिंग फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, सीए फर्म शामिल हैं। मुझे विश्वास है अगले कुछ वर्षों में गिफ्ट सिटी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में से एक होगा। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जहां गहरे लोकतांत्रिक मूल्य है और ट्रेड एंड कॉमर्स की ऐतिहासिक परंपरा है। भारत में हर इन्वेस्टर या कंपनी के लिए मोस्ट डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। गिफ्ट को लेकर हमारा विजन भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ा है। मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रखता हूं। आज 4 लाख एयर पैसेंजर्स हर रोज यात्रा कर रहे हैं। 2014 में हमारे यहां पैसेंजर एयरक्राफ्ट की संख्या 400 थी, जो आज बढ़कर 700 से ज्यादा हो गई है। पिछले 9 वर्षों में भारत में एयरपोर्ट्स की संख्या दोगुनी हो चुकी है। आने वाले वर्षों में हमारी एयरलाइंस करीब 1000 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही हैं। इन परिस्थितियों में गिफ्ट सिटी द्वारा एयरक्राफ्ट लेजर्स को कई तरह की सुविधाएं देना बहुत ही रिमार्केबल है। भारत के वाटर रूट से माल की आवाजाही तो बढ़ ही रही है, जहाजों की संख्या भी बढ़ने जा रही है। आईएफसीएनए का शिप लीजिंग फ्रेमवर्क इस ट्रेंड का पूरा फायदा उठाने का अवसर दे रहा है। इसी तरह भारत का स्ट्रॉन्ग आईटी टैलेंट, डाटा प्रोटेक्शन लॉज और गिफ्ट का डाटा एम्बेसी इनिशिएटिव्स सभी देशों और बिजनेसेस को डिजिटल कनेक्टिविटी की सिक्योर फैसिलिटी देता है। भारत के युवा टैलेंट की बदौलत हम सभी बड़ी कंपनियों के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का
बेस बन गए हैं। साथियों, अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। न्यू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और एज फाइनेंशियल सर्विसेज इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अपने एफिशिएंट रेगुलेशंस, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज इंडियन हिंटरलैंड इकोनॉमी तक पहुंच, बेनिफिशियल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस और टैलेंट एडवांटेज की वजह से गिफ्ट सिटी ऐसे अवसर तैयार कर रहा है जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। आइए गिफ्ट IFSC के साथ मिलकर ग्लोबल ड्रीम्स को पूरा करने के लिए दिशा में हम मिलकर के आगे बढ़े। बहुत जल्द ही वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी होने जा रहा है। मैं उसके लिए भी सभी इन्वेस्टर्स को निमंत्रित करता हूं और आपके इन प्रयासों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम मिलकर दुनिया के गंभीर मुद्दों का समाधान खोजने की दिशा में इनोवेटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करें और उसे आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।